दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम हार मानते हैं, हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, पर आज मैं आपको ऐसा उदाहरण दिखाऊंगा जिससे सुनते ही आप ये खुद को कोसना बंद कर देंगे। जी हाँ, मैट स्टुजमन, इन्होंने जिंदगी में हारना नहीं सीखा। उनके दो हाथ नहीं है, फिर भी यह उनके प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने के आड़े कभी नहीं आया। उन्होंने पहले कुछ सालों तक बास्केटबॉल खेलना पसंद किया, तीरंदाजी में भी हाथ जमाया। तीरंदाजी ने उनके जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था और वो आने वाले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना देख रहे हैं। खिलाड़ी मैट का हाथ जन्म से ही नहीं है, उनके लिए यह कोई विकलांगता नहीं बल्कि सामान्य बात है। उनका मानना यह है कि बिना हाथ के काम करने की उनकी आदत हो गई है। अब दिमाग को भी पता चलता है कि उनको हाथ नहीं है। जब वे 2 साल के थे तब से वो सभी काम अपने पैरों से ही करते हैं। मैट का जन्म अमेरिका में 10 दिसंबर 1982 में हुआ। अमेरिका में ही वो पले बढ़े। वह दुनिया का बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, पर उनको ऐसा समझ आया कि वो प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह नहीं खेल पाएंगे। तभी एक बार 2010 में टीवी पर तीरंदाजी देखी, जिसके बाद उन्होंने उसे आजमाने का फैसला कर लिया और कुछ महीने प्रैक्टिस के बाद में समझ गया कि वह आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करें। 2015 में मैट ने 283.4 लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड शरीर से सक्षम खिलाड़ी के पास था, लेकिन रियो ओलंपिक में उन्हें निराशा हाथ लगी जब वह पदक जीतने से चूक गए। इसके लिए वह टूटे हुए तीर को दोषी मानते हैं। अब उनका पूरा ध्यान आने वाले ओलंपिक की ओर है। आशा करता हूँ आपको यह सच्ची कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और ये उदाहरण आप किसी ऐसी व्यक्ति से ज़रूर शेयर करो जिसको मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। ऐसे ही नई कहानी के लिए फिर मिलेंगे इसी चैनल पर।